अस्सलाम वालेकुम, जनरल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। आज हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान को सियासी बहरानों का तो सामना है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा बहरान खुशहाली का बहरान है। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, अगर सिंध की तरफ देखें तो वहाँ पर भी काश्तकार, हारी और किसान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हमारी फसलें सूख रही हैं, हमें पानी दिया जाए। इसी तरह से अगर हम बात करें चोलिस्तान की, तो चोलिस्तान एक अरसे से खुशहाली का शिकार है और वहां पर दर्जनों जानवर खुशहाली के बायस हलाक हो चुके हैं। इसी तरीके से वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो पानी न होने के बायस नकल मकानी कर चुके हैं। अब अगर बात कर ली जाए कि सूरत हाल क्या है, असल में हम इस वक्त खुशहाली के हवाले से कहां पे खड़े हैं, तो हाल ही में अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें खुशहाली से मुतासरा ममालिक को शामिल किया गया है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि 2050 तक ये खर्चा है, और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन ये खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि 2050 तक जो पाकिस्तान है वो खुशहाली का शिकार हो सकता है और पानी का जो बहरान है वो शदीद हो सकता है, क्योंकि पानी का जो ज़खीरा करने का निज़ाम है वो पाकिस्तान के पास इतना मौसर नहीं है। अब हम बात कर लें कि हमारे मुल्क में हुआ क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ये ठीक है कि क्लाइमेट चेंज दुनिया भर का एक मसला है और तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक दोनों ही क्लाइमेट चेंज के हवाले से फोकस कर रहे हैं और इससे निमटने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हमारी तरफ अगर देखा जाए तो हमने इसे एक फजूल किस्म का सब्जेक्ट समझा है। ठीक है कि हमने एक वजारत बना ली है, लेकिन उस वजारत ने अभी तक कोई खातिर खा काम नहीं किया। वजह सिर्फ ये है कि हम जिन मौजूआत को अहमियत देते हैं वो ज़्यादातर मौजूआत हमारे सियासी होते हैं, हमारे हाँ सियासी इस्तेहकाम ही पैदा नहीं होता कि हम इन मामलात पर गौर कर सकें। और अब आप ये देखें कि कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान बनने के बाद हम सिर्फ 4 डैम्स बना सके हैं और आज तक हम कोई और डैम नहीं बना सके। कालाबाग डैम का एक बहुत बड़ा मनसूबा था और एक बड़ा डैम था, लेकिन उसमें बनाने के हवाले से जो रुकावट पैदा हुई वो सबसे ज़्यादा सिंध से रुकावट डाली गई, और सिंध के जो वहाँ के सियासतदान थे उन्होंने ये कहा कि जनाब कालाबाग डैम जो है वो हमारी लाशों पर ही बनेगा। असल बात क्या थी कि पाक जो पंजाब का हिस्सा है वो पानी में ज़्यादा होगा और सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। तो जनाब बात यह है कि कालाबाग डैम तो नहीं बना, लेकिन सूरत हाल तो वही है। अगर आप देखें तो इस वक्त भी सिंध पानी की शदीद किल्लत से दो चार है। तो अब अगर ये सूरत हाल है तो अगर कालाबाग डैम बन जाता तो कुछ ना कुछ पानी सिंध को मिलता और सिंध के जो काश्तकार हैं वो फसलें उगाते, जिससे हमें ज़रई अजनास में खुद कफालत की मंजिल हासिल होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और हमारे हाँ अजीब सूरत हाल है कि हमने हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया है, हर चीज़ में सियासत को ले आए हैं। दुनिया भर में जो डैम्स हैं या इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, पुल तामीर करना हो, सड़कें बनानी हो, वो सियासत से हट के होती हैं। ये रियासत का काम होता है कि रियासत ने ये काम करने होते हैं ताकि अपनी आवाम को सहूलियात फराहम की जाएं। इसमें किसी हुकूमत का या किसी सियासत का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ तो चलन ही अजीब है। और अगर ये कहा जाए कि यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। ये अजीब बात है कि सियासत की नज़र डैमों को कर दिया गया है। ठीक है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, बारिशें कम हो रही हैं और हमारे जो बारानी इलाके हैं वहां भी बारिशें कम हो रही हैं, और जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहां पर तो बारिशें बहुत ही कम हो रही हैं। लेकिन जनाब हर मसले का एक हल होता है। अगर हमने आज डैम्स बनाए होते तो हम इस सूरत हाल से बहुत अच्छी तरीके से निमट सकते थे, क्योंकि हमारे पास डैम्स में पानी का
वाफिर ज़खीरा मौजूद होना था, ताकि इस तरह की अगर सूरत हाल होती तो हम फौरी तौर पर उस ज़खीरे को इस्तेमाल करते और उससे हम अपनी फसलें भी सैराब करते और जो मुख्तलिफ इलाकों में जो जानवर हैं उनके पीने का पानी भी दस्तियाब होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि दरियाए सिंध जो बड़ा दरिया है और जिसे पाकिस्तान के पानी के हवाले से शहरक भी कहा जाता है, वो भी सूख चुका है और हर तरफ रेत और मट्टी उड़ रही है, पानी का नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान खुशहाली की तरफ अगर जाता है तो संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, और इससे जो मसाइल जन्म लेंगे वो इतने शदीद होंगे कि जिनका अभी तक हमारी हुकूमत को अंदाजा ही नहीं है, और हमारी हुकूमत के पास सियासी मसाइल हल करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, और उनके पास इस काम के अलावा कोई और चीज पर तवज्जो देने के लिए वक्त ही नहीं है। अब आप ये देखें कि बात यह है कि अगर पानी की किल्लत शदीद होती है तो इससे गिजाई बहरान भी पैदा हो सकता है, फसलें पैदा नहीं होंगी। जब गंदम की पैदावार कम होगी तो आटे का बहरान भी पैदा हो सकता है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई। और कौन बनाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, हमारे यहाँ जो पॉलिसी तैयार करने वाले हैं, उन्होंने आज तक तवीलुल मियाद पॉलिसी या मनसूबा बनाया ही नहीं है। उन्होंने हमेशा कलीलुल मुद्दत मंसूबे बनाए और उनको ये हुआ कि जैसे ही वो अपनी मुद्दत 5 साल तो खैर किसी ने पूरी नहीं की, लेकिन जैसे ही वो इक्तदार से जाएंगे तो वो अपनी खूबियां गिनवाएंगे और आवाम को झूठे सच्चे आदाद और शुमार पेश करेंगे और ये बतलाने की कोशिश करेंगे कि हम बहुत कुछ कर रहे थे, हमें करने नहीं दिया गया या हमें वक्त कम मिला है, लेकिन असल में सूरत हाल ये है कि कुछ नहीं हो रहा और ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसा कब तक चलेगा? और हम ये बिल्कुल तवक्को से ये कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ फौरी तौर पर ठीक ना की गई और फौरी तौर पर इस पर तवज्जो ना दी गई तो आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन सकते हैं और इससे नई मुश्किल पैदा हो सकती है। और जिस तरीके से हमें ये सामना है, भारत में से सारे दरिया निकलते हैं और भारत ने वहाँ पर अपने डैम्स बनाए हैं और सैकड़ों की तादाद में डैम्स बनाए, वो पाकिस्तान की तरफ जब पानी छोड़ता है तो उस वक्त छोड़ता है कि जिस वक्त वहां पे फ्लड का खतरा होता है, यानी फ्लड चैनल्स बना दिए हैं उसने हमारे दरियाओं को, और जब वो वहां से पानी छोड़ता है तो यहां पे फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। और जनाब वो सैलाबी पानी से निमटने के लिए हमारी हुकूमती मशीनरी लग जाती है और वही पानी फिर सीधा समुंदर बुर्द हो जाता है और हमारे किसी काम नहीं आता। इसलिए काम नहीं आता कि हमने डैम्स ही नहीं बनाए, हम पानी को जखीरा करें तो कहां करें, हमें तो ज्यादा पानी भी खराब करता है और हमें पानी की कमी भी मारती है। सोचने वालों को इस सूरत हाल के हवाले से कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इसी के साथ ही अपने मेजबान को आज के वीलॉग से इजाजत दीजिए नेक्स्ट वीलॉग तक, और आखिर में आपसे वही गुजारिश कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों में और लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोज मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।